आवाज नहीं आ रहा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए कल हमारा हुआ था एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन, फिर उसके बाद हमको देखने का ये बायोस्फीयर रिजर्व भी हो गया था हमारा। एक बार ये रिवाइज करके आगे बढ़ते जाएंगे। कल हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हुआ था, इसके अंदर हमने देखा था कि टोटल 14 to 15 बायोस्फीयर है इंडिया में, और उनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो ऐसा होता है, यानी कि सेंटर में होगा कोर जोन जहाँ पे फ्लोरा और फ्यूना जो है, जो एनिमल्स और प्लांट है इस फॉरेस्ट में, इस पर्टिकुलर पार्ट में, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और उसके साइड को रहेगा बफर जोन जहाँ पर ऑनली कौन से पीपल रहेंगे, ऑनली रिसर्चर और द पीपल हु कैन क्लीन दिस फॉरेस्ट। तो यहाँ पर रहते रिसर्चर्स, रिसर्चर यहाँ पर रहेंगे, और ट्रांजिशन जोन ये सब क्लियर रहता है, दिस इज फॉर ऑल। तो ये वेल प्रोटेक्टेड एरिया है, वेल प्रोटेक्टेड, जिसको कहा जाएगा कोर एरिया। तो कहाँ कहाँ पर ये ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है ये देखिए, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या था कल हमने देखा, नेशनल पार्क, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और उसके बाद देखा था बायोस्फीयर। तो ये कितने इनके वैल्यू याद रखने का, 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और बायोस्फीयर रहेंगे टोटल 14। तो ये याद रखना ये पूरा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको कि कहाँ कहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, तो इन सब के नाम आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सैक्रेड गूस, सैक्रेड फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज आइलैंड्स ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लाइक जयंता, खासी, ये सब नाम बोले मैंने कल, तो ये भी हुआ था हमारा। उसके बाद ये नेशनल पार्क, इंडिया में जो नेशनल पार्क है, कल ये भी बोला था मैंने, टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1973 में। इसमें आपको डेटा याद रखना पड़ता है, देखो स्टैटिक्स बहुत है इस टॉपिक में, तो आपको याद रखना पड़ेगा सभी, ठीक है। देखिए सेंचुरीज भी बोले थे मैंने आपको, सेंचुरीज क्या रहता है, कैसा रहता है वहाँ पर, कुछ नहीं, ये सब हो चुका था हमारा। ये था सैक्रेड ग्रूस, वॉट आर द सैक्रेड ग्रूस, कौन कौन से रहेंगे कुछ नहीं, तो इनके नाम याद रखना, मैंने 3 to 4 टैक्स ऑलरेडी बोले। फिर ये चार्ट याद रखना, इन सीटू के अंदर क्या क्या आएंगे, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सैक्रेड ग्रूस, तो ये याद रखना। और एक्स सीटू में जूलॉजिकल पार्क और जू, बॉटनिकल गार्डन, अर्बोरेटा, एक्वेरियम, ये सब। और ये एक टेक्निक, ये जो एडवांस टेक्निक है जिसके अंदर सीड बैंक, जर्म प्लाज्म जो होता है, जीनोम होता है एनिमल का, वो स्टोर किया जाए, एक बटन दबा दें यहाँ के ऊपर का, और सैक्रेड प्लांट्स, ये लाइट कर रहे थे, लाइट लास्ट 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 बटन इधर से लास्ट, ओके। ये चार्ट हो गया, रिपीट आया चार्ट, ये सब हुआ है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन में। क्या आएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो, प्रोपागेशन फॉर द प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर टेक्निक मैंने पूरी बोली, तो इसके लिए हम आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और प्रिजर्वेशन ऑफ सीड थ्रू सीड बैंक, सीड प्रिजर्व करेंगे ऐसा सीड जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर, तो वैसा, या जो वाइल्ड लाइफ प्लांट, जो आज कुछ प्लांट नहीं मिलते तो उनके अगर सीड हो गए तो उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा जिससे हम बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर सकते। अर्थ समिट, अब ये अर्थ समिट और ये सब क्या है वो हमको आगे और आने वाला, यहाँ पर सब मैंने ऐसे नोट्स में ये ऐड किया था, एक्स सीटू कंजर्वेशन। बॉटनिकल गार्डन, देर आर 1500 बॉटनिकल गार्डन्स, एंड अर्बोरेटा मीन्स अ प्लेस वेयर द स्पेसीज ऑफ ट्री और शब आर कल्टिवेटेड फॉर रिसर्च एंड डिस्प्ले इन द वर्ल्ड, दे कंटेन मोर दैन 80,000 स्पेसीज। तो ये ज़रूरी देखिए, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में वराइटी ऑफ प्लांट्स रहेंगे, मेडिसिनल प्लांट, यूजफुल प्लांट, कौन से प्लांट है जिनसे टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे वैरायटी ऑफ प्लांट्स हम रख सकते हैं। टॉक्सिन मतलब ऐसा टॉक्सिन जो यूजफुल रहेगा, नैरोली यूटिलारियन, ब्रॉडली यूटिलारियन, ये कल हो चुका था हमारा। देखिए
इन सीटू एक्स सीटू हो गया था, ये बोला मैंने आपको, इन सीटू कंजर्वेशन, वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्राइवेट ओनरशिप, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, ये सब प्रोहिबिटेड है, मतलब नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। प्राइवेट ओनरशिप मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे अच्छा एकदम प्लेस दिख रहा है नेचुरली, हाँ वहाँ पे जाके मैं सब खरीद लेता हूँ, ऐसा बोले तो नहीं होगा, यहाँ पर वो अलाउड नहीं रहता प्राइवेट ओनरशिप और कल्टिवेशन ग्रेसिंग। ऐसा नहीं हमारे पास गाय बकरी छोड़ दी उधर, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए ये सेंचुरीज दिखा है, मैंने बोला आपको कि 448 सेंचुरीज है, और हमारे यहाँ पे नियरेस्ट सेंचुरी कौन सी है आपके प्लेस से, राधानगरी सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक कुछ तो भी नाम है इधर देखिए, कुछ है और एक है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर है यहाँ पर। उसके बाद इन सीटू कंजर्वेशन, आपको याद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नियर बाय कौन सा है, गूगल जब यूज़ करते हो नेट तो सर्च कीजिएगा नियर सेंचुरी नियर बाय मी, तो आपको समझ में आएगा। बॉटनिकल गार्डन नियर बाय मी सर्च कर लेगा, जूलॉजिकल गार्डन तो जूलॉजिकल पार्क जू जो है जू नियर बाय यहाँ पर कहाँ पर है, तो पुणे में बोला गया आपको। ये देखिए ये है सैक्रेड ग्रूस, इनके नेम मैंने बोले वाले। सैक्रेड ग्रोव्स इन खासी जयंता हिल्स, उसके बाद अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, और एमपी के ये दिया। उसके बाद देखो एक्स सीटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, इसके अंदर बोला था मैं आपको क्या क्या यूज करेंगे, इसके अंदर जेनेटिक सेंटर, उसके बाद जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये जो दिख रहा है देखिए जेनेटिक सोर्सेस, मतलब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी दिख रही है किसकी, यहाँ पर दाल ये वो सब है। उसके बाद देखिए सीमन कंटेनर, ये जो एनिमल है जो अच्छे ब्रीड वाले एनिमल है उनका जर्म प्लाज्म कलेक्शन होगा, जो भी ये बल है जो भी एनिमल है उनके अंदर अच्छे कैरेक्टर, उनका सीमन क्या कैरेक्टर, सीमन मतलब उनके जर्म से लोग, तो उसको प्रिजर्व किया जाएगा सो दैट और एक अच्छा ब्रीड जो फीमेल लगी उसके साथ क्रॉस करके क्या करेंगे, वो हाइब्रिड वैरायटीज प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क और वाइल्ड लाइफ पार्क्स, सफारी पार्क्स, ये दिख रहा है देखिए, दिस इज जूलॉजिकल पार्क और ये है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ एनिमल्स दिखेंगे। जिम कार्बेट है देखिए, वहाँ पर टाइगर मिलते हैं, लॉयन कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में गिर प्लेस है वहाँ पर, जीन बैंक। उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन, ये दिख रहा है, ये कल मैंने बोला था आपको, ये है लिक्विड नाइट्रोजन, टेम्परेचर रहेगा -196 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर क्या होता है, ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है यूज किया जाता है जर्म प्लाज्म जीन स्टोर करने के लिए। तो ये सब नाम याद रखिए, एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या आएगा, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बोटानिकल गार्डन, जीन बैंकिंग जहाँ पे जीन स्टोर करेंगे, और क्रायो प्रिजर्वेशन, उन जीन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, मतलब सपोज इंडियन ब्रीड अच्छे हैं और अमेरिका में कहीं पर अच्छे ब्रीड चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, जर्म प्लाज्म कलेक्ट करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ऐसा करेंगे। अब हॉटस्पॉट, यानी कि कौन कौन से हॉटस्पॉट है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, तो वो देखना है। दीज आर द रीजन विद अ वेरी हाई स्पेसिस रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडिमिज्म, मीन स्पेसिस कन्फाइंड ओनली टू अ स्पेसिफिक रीजन बट मोस्ट थ्रेटन, थ्रेटन मतलब इसको कुछ हार्म होने के चांसेस ज़्यादा है, और हमारा ये काम है कि जहाँ पर भी ऐसी बायोडाइवर्सिटी दिख रही है इसको प्रिजर्व करना। देयर आर 34 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, 3 हॉटस्पॉट कवर द इंडिया बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया में कहाँ पर है, हम देख रहे हैं, एक वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा, दीज आर 3 मेन हॉटस्पॉट। तो ये है वेस्टर्न घाट, इधर है का वेस्टर्न घाट, ये जो एरिया दिख रहा है, और
और इधर का जो पार्ट है वो है ईस्टर्न घाट। तो इधर का ईस्टर्न घाट रहेगा और उधर का वेस्टर्न घाट, तो ये दोनों पता होना चाहिए। और श्रीलंका मतलब समझ में आता है, श्रीलंका का मैप बहुत छोटा देखिए, इंडिया का मैप लिया श्रीलंका का फ्री में आता है उसके साथ, इतना छोटा सा कंट्री। और इंडो बर्मा हिमालय मतलब ऊपर का एरिया, बर्मा पता होगा कहाँ पे आता है, तो ये है वेस्टर्न घाट पश्चिम महाराष्ट्र उसके साइड। दीज आर द रीजन विद वेरी हाई स्पेसिस रिचनेस हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म स्पेसिस कन्फाइंड ओनली टू अ स्पेसिफिक रीजन बट मोस्ट थ्रेटन। तो ये 34 हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, ये बोला अभी, ये देखो ये दिख रहा है वेस्टर्न घाट कैसे, ये है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। बर्मा बर्मा पता होगा कहाँ पर आता है। उसके बाद देखिए हिमालयन माउंटेन, यहाँ पर बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, प्योर ऑक्सीजन रहेगा और ये ग्लेशियर डिजॉल्व होकर रिवर तैयार होता है। यहाँ पर देखिए कितना मस्त ब्लू पानी दिख रहा है और इसके हाथ में तो वो स्केटिंग वाले स्किट्स दिख रहे हैं। हिमालय अब देखिए ये लास्ट पार्ट बचने वाला है इस टॉपिक का, जिसके अंदर आएगा IUCN रेड लिस्ट। रेड लिस्ट मतलब एक बुक है कि जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट भी है एनिमल भी है, तो इनकी क्या किया जाएगा रेड लिस्ट के अंदर उनको क्लासिफाई किया वाला कि कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए, कौन से एनिमल है कि जो वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, कौन से खतरे में, कौन से बहुत ज़्यादा खतरे में, कौन से कम खतरे में, किसको क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये समझ में आ जाएगा, यानी कि उनको क्लासिफाई किया वाला अकॉर्डिंग टू देयर थ्रेट, उनको क्या थ्रेट पहुंच सकता है और किस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम हो सकती है या एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो इसका डेटा जिस बुक में उसको कहा जाएगा IUCN रेड लिस्ट बुक कैटेगरी। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द रेड लिस्ट एम्स टू इम्पैक्ट इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्जेंसी एंड स्केल ऑफ कंजर्वेशन प्रॉब्लम एंड द यूजेस ऑफ रेड लिस्ट आर एज फॉलोज। डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ थ्रेड बायोडायवर्सिटी थ्रेटन बायोडायवर्सिटी आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड प्रोवाइडिंग द ग्लोबल इंडेक्स ऑफ द डिक्लाइन बायोडायवर्सिटी देन डिफाइनिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटी एट लोकल लेवल। अब यहाँ पर ये चार्ट में दिए वाला देखिए, एक्सटिंक्ट कौन से हो गए, एक्सटिंक्ट होने के रास्ते पर कौन से, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब खतरे में, इनको अगर अभी बचाया जाए तो ये बच सकता है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने आती है, एंडेंजर्ड वल्नरेबल मतलब बस खत्म होने में ही है, तो ये रहेंगे। उसके बाद लोअर रिस्क जिनको कोई हार्म नहीं, डाटा डिफिशियट मतलब जिनका डेटा प्रॉपरली मिला नहीं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको इवैल्यूएट नहीं किया, तो ऑलमोस्ट ये दोनों चीज़ें तो मैच ही होती हैं। इसका वन बाय वन आगे चार्ट, वो चार्ट से समझ पाएगा। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट इन इंडिया इंक्लूड्स ऑर्किड दगड़फुल स्पेशली ब्लू वांडा मोस्ट ऑफ द ट्रीज ऑफ फर्न फीचर प्लांट। ये जो ये धीरे धीरे खतरे में मतलब इनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से समझ में आएगा एक्सटिंक्ट मतलब गए खत्म हो गए, नो रीजनेबल डाउट दैट लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड मतलब उसका कोई मिलेगा ही नहीं, एग्जाम्पल डायनासोर तो मर गए सब, अभी कोई भी नहीं, हाँ नहीं। उसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड नोन ओनली टू सर्वाइव इन द कैप्टिविटी कल्टिवेशन और वेल आउटसाइड इट्स नेचुरल रेंज। तो मतलब क्या ये कौन सा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुके, वाइल्ड मतलब हमको समझ ना रहा, जंगल का एरिया रामटी बोलते हैं इसको, वाइल्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब ऐसे एनिमल की जो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो एनिमल कभी भी अर्थ पर नहीं दिखेंगे, तो हमारा काम है कि उन एनिमल को बराबर प्रोटेक्शन देना, उनके जीन स्टोर करके रखना, उनका DNA स्टोर करके रखना, उनसे और वैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने आता है क्या वो देखना पड़ेगा।
तो ये हो गया एक्सटिंक्ट। उसके बाद थ्रेटन्ड, मतलब खतरे में कौन से, तो खतरे में ये है CRPNVU, मतलब एंडेंजर्ड फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब समझ में आता है, देखो जैसे आप अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर आ गए जहाँ पे सब लोगों को कोरोना आ गया, तो आपको कोरोना होने के चांसेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब आप वल्नरेबल हो गए, वैसा होता है। नियर थ्रेटन मतलब खतरे में आ सकते हैं, क्लोज टू क्वालिफाई और लाइकली टू क्वालिफाई द थ्रेटन कैटेगरीज इन द नियर फ्यूचर, तो ये रहेंगे। उसके बाद लिस्ट कंसर्न, अब ये इसका कोई मीनिंग नहीं आता क्योंकि ये नहीं है खतरे में। लिस्ट कंसर्न पॉपुलेशन इज स्टेबल इनफ दैट इट इज अनलाइकली टू फेस द एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, जो लिस्ट कंसर्न है। और डाटा डिफिसिट मतलब जिसका हमको प्रॉपर डेटा नहीं मिला है। तो इनको एक चार्ट से वन बाय वन देखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ स्पेसिस भी दिए वाले, देखिए यहाँ पर IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज। तो एक्सटिंक्ट किसको बोलेंगे, व्हाट इज इन द एक्सटिंक्ट, अ टैक्सॉन एक्सटिंक्ट इज व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट देयर लास्ट इंडिविजुअल इज डाइड, अब कोई भी नहीं बचा है, उनका जो लास्ट इंडिविजुअल था वो भी मर गया। उसके बाद एक्सटिंक्ट इन डाइड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड व्हेन एग्जॉस्टिव सर्वे इज नोन और अनएक्सपेक्टेड हैबिटेट हैव फेल्ड टू रिकवर एन इंडिविजुअल। उसके बाद है क्रिटिकली इंडेंजर्ड विच इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो ज़्यादा रिस्क पर है कि जिनका एक्सटिंक्शन होगा वो, तो वाइल्ड इन द इंटरमीडिएट इमीडिएट फ्यूचर। उसके बाद एंडेंजर्ड, और टैक्सॉन इज एंडेंजर्ड व्हेन इट इज फेसिंग वेरी हाई रिस्क, तो ये रहेगा। उसके बाद देखिए वल्नरेबल, लोअर रिस्क, डेटा डिफिशियंट, नॉट इवेलुएटेड, तो ये सब रहेगा। टैक्सॉन इज वल्नरेबल व्हेन इट इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड बट फेसिंग द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड मीडियम टर्म फ्यूचर, तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिए कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा है, खतरे में कौन सा है, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट के अंदर है बेरबेरिस निलगिरिस और एनिमल के अंदर रहेगा पिग्मी हॉक। इसके फोटो दिखाऊंगा मैं आगे, अगर रहे तो इससे समझ में आएगा। एंडेंजर्ड खतरे में, बेंटनिका निकोबारिका वहीं पर मिलता है अंडमान निकोबार में, और रेड पांडा, रेड पांडा भी देखा भी नहीं होगा आपने, वो व्हाइट और ब्लैक वाला पांडा देखा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद वल्नरेबल, क्यूप्रस कैशमानिया, एंटीलोप सर्बिकाप्रा, ब्लैक बक, गुड आफ्टरनून अत्तार, अभिजीत, जय, वैष्णवी, नम्रता, अमृत। अरे गुड मॉर्निंग सानिका, अभी आफ्टरनून में नहीं, आफ्टरनून है मॉर्निंग में। देखिए अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग होती है, तो कौन कौन से मीटिंग हुए थे और उन्होंने क्या एक्शन इम्प्लीमेंट किए कि जिसके वजह से नेचर को प्रिजर्व कर सकते। तो इसके लिए अर्थ समिट हुआ था रियो डी जानेरियो, कहाँ पर है रियो डी जानेरियो, ब्राज़ील में है। वहाँ पर मैंने बोला था आपको एकदम बहुत बड़ा लॉर्ड जीसस का पुतला है, लाइक ही इज ब्लेसिंग टू ऑल, उस सिटी को वो आशीर्वाद दे रहे, ऐसा उन्होंने एक स्टैचू लगाया। धूम 3 मूवी है देखिए, उसका शूटिंग वहाँ का, तो मतलब समझ में आएगा मैं प्लेस का बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्राज़ील का ऐसा, देखिए ब्राज़ील में कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर शुगर केन का क्रॉप भी ज़्यादा होता है। शुगर केन का क्रॉप जहाँ पर ज़्यादा है, तो मैंने बोला है कि आपको शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जिसका हर एक पार्ट काम को आता है। भगवान राम जो थे उनका अगर वंश देखे तो उनके वंश को बोलते इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु मीन्स ईक, ईक मीन्स शुगर केन। तो शुगर केन का ऐसा एक भी पार्ट नहीं होता कि जो वेस्ट जाता है।
शुगर केन से अपने को शुगर मिलता है, जैगरी मिलती है, जो शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो रिमेनिंग उसका बैगीज है उससे पेपर बनाने आते हैं, और जो वेस्ट पार्ट है उससे अल्कोहल बनाने आते हैं। हाँ, पेपर किससे बनता है? हाँ, तो पेड़ किसका? शुगर केन पेड़ ही तो है कि एनिमल है शुगर केन? फिर तो इसलिए शुगर केन बहुत काम का है, और उनका ज़्यादा कल्टीवेशन यहीं पर होता है, रियो डी जैनेरियो, मतलब ब्राज़ील में, ऑल ओवर ब्राज़ील में। हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, इनका एक एम है ब्राज़ील का कि वो पूरी तरह से पेट्रोल को सब्सटीट्यूट कर पाए गैसोलीन से, और उसके लिए इनको ज़रूरत पड़ेगी शुगर केन की। तो देखिए यहाँ पर ये जो अर्थ समिट हो रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों हो रहा है, तो वो देखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ समिट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी, इसके लिए सब महान लोग एक जगह बैठे वाले। इसमें मोदी जी ने दिखाई दिया, हाँ अर्थ समिट वो नहीं आएंगे क्योंकि पर्यावरण मंत्री आएंगे। आप ऐसे बता सकते हैं अभी भारत में पर्यावरण मंत्री कौन है? महाराष्ट्र के ही है ना, जावड़ेकर। उसके बाद सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी उसको अच्छे से प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। इसका लोगों भी देखो, लोगों समझ में आ रहा है ये बर्ड है और ये प्लांट है। शेयरिंग द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेस, अगर कोई जेनेटिक रिसोर्स से बेनिफिट होता होगा तो वो एक दूसरे को, मतलब सबको शेयर करना जरूरी है। तो ऐसे आवाज़ तो आ रहा है सबको? कल मेरे को लास्ट को किसी का कमेंट मिला कि भाई आवाज़ नहीं आ रहा था बोलकर, तो ऐसा कुछ रात मुझे बोलते जाइएगा। तो ये याद रखिए, अर्थ समिट रियो डी जानेरियो 1992 ईयर याद रखने का। यहाँ पर देखो फोटो भी लगा है, ये किसका लोगो है, ये किसका लोगो है बताइए, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है किसका लोगो है? यूएनओ का लोगो है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका लोगो है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में 2002, ये दिख रहा है देखिए साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो 2002 में 26 अगस्त 4 सितंबर, इतने दिन चला था ये। और इनका भी एम क्या था, 190 कंट्रीज प्लेज, 190 कंट्री ने प्रतिज्ञा ली कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा हम इसको 140 इसको हम बचाएंगे। तो ये इनका वर था बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होना, इसलिए 190 कंट्रीज एक ही जगह आए थे, 190 कंट्रीज। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा 190 कंट्रीज प्लेस प्रोड्यूस द करंट रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। तो ये पर्पस था इनका साउथ अफ्रीका में, 190 कंट्रीज प्लेस प्रोड्यूस द बायोडायवर्सिटी लॉस। तो ये था, तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक खत्म हो जाता है, मतलब इस टॉपिक में वाला हमारा कुछ नहीं बचा, थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर इसके बाद खत्म करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत बाकी है। एक बार पहले से ये देख लेंगे जहाँ जहाँ पे डाउट लगता है आपको, पहले से फटाफट देखते जाओ क्या है, देखते जाओ आप ही बोलते जाओ क्या है ये रिवर पपेट हाइपोथेसिस। यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एरिलिक, क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि जैसे एक एरोप्लेन होता है उसमें से अगर एक एक स्क्रू अगर हम निकालते जाएंगे तो वैसे ये जो प्लैनेट में जितने भी एनिमल है वो एनिमल मतलब एक स्क्रू के जैसे, स्क्रू मतलब नट और बोल्ट, और बाकी सब जो है, और बाकी सब जो यानी कि ये सब हो गए स्क्रू के जैसे, और ये पूरा इकोसिस्टम मतलब एक एरोप्लेन के जैसा। तो प्लेन में से जैसे हम सब बैठ के एक हाइट पर गए और एक एक अगर स्क्रू निकालते रहे तो क्या होगा, वो प्लेन नीचे गिरेगा। एक दो स्क्रू निकाले कुछ नहीं होगा, पर सभी स्क्रू निकाल के मस्त करेंगे तो ऐसा वो प्लेन नीचे आता है और हम ऊपर से और ज़्यादा ऊपर जाते हैं। तो वो इन्होंने डिस्क्राइब किया।
इसको बोलते हैं रिवर पपेट हाइपोथेसिस। ये दिख रहा, देखिए कलरफुल प्लेन, कलिस्टा में रहूंगा प्लेन में। तो कल क्लास नहीं होगा क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ राजस्थान, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस रहेंगे, कंटिन्यू होंगे, पर कल क्लास नहीं रहेगा क्योंकि कल ये भी रीज़न है, कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को आप लोगों की टेस्ट रहती है। आज ट्यूसडे, आज मंडे ना, मैं दो बार भूल गया था, मैंने क्लास शुरू किया था। बायोडायवर्सिटी लॉस होने के रीज़न क्या है ये पूछ, हाँ शॉर्ट रिवाइज करता हूँ। हाँ अभिजीत, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अच्छा ये देखिए, अब जब ये टाइटल आता ना तो आपको बोलने का है कि इसके अंदर क्या क्या देखा था, आपको क्या क्या याद आता है। बायोडायवर्सिटी लॉस में मेनली फोर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, 1, 2, 3, 4 कौन कौन से थे बोल सकते हैं? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद को एक्सटिंक्शन, उसके बाद और एक था, बोलिए कमेंट में मैं चेक कर रहा हूँ। बराबर तो ये रहेगा, तो देखिए जैसे यहाँ पर दिखा है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये था रेड डाटा लिस्ट जिसके अंदर बोला गया कितने ऑर्गेनिज्म है, क्या हुआ, कुछ नहीं, तो ये सब बोला गया था यहाँ पर। ये डेटा आपको याद रखना है, IUCN रेड लिस्ट 2004, अभी 2020 चल रहा है ना, अभी आपको डेटा याद रखना पड़ेगा 2004, 16 ईयर पहले वाला, कितने स्पेसीज एक्सटिंक्ट हुए, किसके हुए, कुछ नहीं, ये सब। और ये ऑर्गेनिज्म देखो, डोडो कहाँ का था, मॉरिशियस, क्वागा कहाँ का, अफ्रीका, थिलियासिन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सीकाउ रशिया, एंड थ्री सब स्पेसीज बाली, जावा, ये जावा है, जवान नहीं है, एन यहाँ से कट करना चाहिए, जावा, जावा सुमात्रा नाम सुनो नहीं आप, और उसके बाद कैस्पियन ऑफ टाइगर। 27 डिसअपीयर, ये देखिए वैसे तो हर साल क्या होता है, नियर अबाउट 15,500 न्यू स्पीसीज डिस्कवर होते हैं एक्चुअली में अगर देखा जाता है एवरी ईयर, और स्पेशली अभी जो रेनी सीजन है ना, अभी तो रेनी सीजन खत्म होने के बाद, रेनी सीजन के वक्त और ज़्यादा बायोडायवर्सिटी दिखती है, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, अलग वैरायटी ज़्यादा आती है वेस्टर्न घाट में एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। 15,500 थ्रेड टू एक्सटिंक्शन ये भी बोला, और इतने स्पेसिस डिस्कवर भी होते हैं, अभी कौन कौन एक्सटिंक्शन को फेस कर रहा है तो इनके नाम पता होना चाहिए, कौन कौन से स्पेसिस है। यहाँ पर डेटा देखो आपको कितना याद होता है, 12% बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियन, 31% जिम्नोस्पर्म। ये अमेजॉन फॉरेस्ट है, अमेजॉन फॉरेस्ट, वहाँ की बायोडायवर्सिटी देखिए, कितने प्लांट्स, कितने फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये सब है, तो ये याद रखना है। यहाँ पर देखो अगर ऐसा करके देखो मतलब दिखेगा आपको, नंबर ऑफ स्पीसीज इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। ये देखिए, ये है जावा का टाइगर, ये है बाली का टाइगर, और ये है कैस्पियन टाइगर। इंडिया में टाइगर कहाँ पर मिलते हैं ज़्यादा? बंगाल में सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। और इनका पीछे का अगर सरफेस देखें ना, ये देखो ये टाइगर अब आगे दिख रहा है, इसको अगर पीछे से देखें इसके हेड को, तो हेड थोड़ा सा यहाँ पर दिखेगा, देखो इसके बैक साइड से, बैक साइड से देखें इसके पीछे वाला फेस जो होता टाइगर का, वो थोड़ा इस तरह से दिखता है कि ऐसा लगता पीछे से भी इसको आँख है, ऐसा दूसरे एनिमल को दिखता है, इसलिए दूसरे एनिमल भी टाइगर पर अटैक नहीं करते। और ये जब जंगल में दिखते तो जो लोग रिसर्च करने वाले वो टाइगर के जो स्टैम्प देखकर गेस कर सकते हैं कि आज टाइगर का मूड कैसा है, उन्हें गुस्से में नहीं है, खुश तो नहीं है, अब खुश है मतलब पार्टी में जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता, उससे समझ में आता है कि आज कैसा नेचर है, कितना अग्रेसिव।
या टाइगर के पहले मतलब देखो बंगाल में ज़्यादा टाइगर थे, वहाँ पे लोगों के ऊपर ये बहुत अटैक करते थे, तो लोगों ने इनको मारना शुरुआत किया, टाइगर इनके ऊपर अटैक करते। तो फिर एक बार क्या हुआ, अब उनको लोगों को समझ में आया कि टाइगर को जब हम आगे से देख रहे हैं, फेस दिख रहा है, तो उन्हें आगे से अटैक नहीं करना, पीछे से अटैक करना, क्योंकि पीछे ये जो बैकबोन रहता है ना हमारा वर्टिकल कॉलम, उसके ऊपर उसका जब लेग एकदम स्ट्रांगली पकड़ के वो यहाँ से कट कर देता है, जेगुलर जो वेन है, तो उससे डेथ होती है पर्सन। तो वो लोगों ने क्या किया, वो मुखौटा रहता चेहरे पे लगाने का, वो लेके ऐसा पीछे लगाता, आगे भी फेस पीछे भी फेस, तो अब उनके ऊपर अटैक होना कम हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद टाइगर को समझ में आया कि ये हमको मूर्ख बना रहा है, तो इससे ये समझ में आता कि वो इंटेलिजेंट है। फिर उन्होंने वापस अटैक करना चालू किया, पहले उनको लगा आदमी को दो दो फेस एक आगे, ह्यूमन को लगता है वही इंटेलिजेंट है। नेपाल में भी बहुत मिलता है टाइगर, द करंट स्पेसिज एक्सटिंक्शन रेट इज 100 to 1000 टाइम फास्टर दैन द प्री ह्यूमन टाइम एंड ट्रेंड कंटिन्यूस। तो ये थे 4 फैक्टर जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है, इन सब के नाम याद रखना है। और सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी लॉस किसके वजह से होगा, ये होगा हैबिटेट लॉस है फ्रैगमेंटेशन, इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रीजन है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। नंबर 2 इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 3 इज इन्वेजन ऑफ एलियन और एक्सोटिक स्पीसीज, और उसके बाद है एक्सटेंशन। सर के दिन उदय, सुते हैं हाँ उदय जहाँ आ गए कभी 21 तक लेना है, तो ना पर तिकुन गेल क्लासेस। हाँ सुटी चला बात से, बस तू पेपर दे लाए क्या, कुटे ठुला तू कौन से दिन क्लास में, जैसे कि क्लास में टीचर लेना से नहीं पड़ेगा। बर्थ ठीक है, ये चारों रीजन याद रखें, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लाइटेशन, इन्वेजन ऑफ एलियन और एक्सोटिक स्पीसीज। और इसके अंदर एग्जाम्पल याद रखना आपको, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होने के रीजन क्या है, तो प्लांट का प्रोडक्शन कम, एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी सो ऑन। बैठ जा बैठ जा, बुक लेके आओ। हाँ लेके आओ, और तू पेपर दिया ना, तू भी पेपर दिया ना, ठीक है। ये मेन 4 रीजन, ये 4 रीजन होने की वजह से इसको क्या बोला गया, इविल क्वाड्रेंट, क्वाट्रा 4। पेपर दे ला तू, तू पेपर दे ला अरे मिड टर्म से पेपर दे लगा मिड टर्म तो लेकर दे ला ना, हां ठीक है काम क्या नहीं विचार लो सर दैट फुल यू ले सर ले ले। तो ये याद रखिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्रॉम 14% to 6%। मतलब देखिए, जहाँ पे जिस लैंड के ऊपर अच्छा फॉरेस्ट कवर था वहाँ पे प्लांट का कटिंग हुआ है, यहाँ पर आपको दिखता होगा। देखिए जब भी पता नहीं, लोग इतना प्लांट को कट नहीं करना चाहिए, कट के कितना बोर लगता है। आपके घर पे देखो, आपको कभी फील हुआ होगा ऐसा कि आपके घर के आजू बाजू को या आपके घर के साइड पर कोई बड़ा प्लांट है और किसी कारणवश उसको कट करना पड़ता, तो आपको अच्छा नहीं लगता। देखिए एक दो दिन बहुत बोर होता है, तो प्लांट जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक एस्थेटिक प्लेस है, एक अच्छा क्लाइमेट होता है। 1000 of hectares ऑफ रेन फॉरेस्ट आर बींग लॉस्ट विद इन द आवर्स। अभी डिफॉरेस्टेशन का अमेज़न ये क्लास नहीं आया, क्लास नहीं गया। हाँ कौन सी क्लास, अच्छा ये देखिए अमेजॉन, और अभी रिसेंटली यहाँ पर आग भी लगे वाली है, अमेजॉन में आग लगी थी। तो पहले बायोडायवर्सिटी जो 20% पूरे वर्ल्ड को ऑक्सीजन यही सप्लाई करता है अमेजॉन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
लंग्स ऑफ वर्ल्ड। हो गया सर क्लास? हाँ सर, सबका इंक्रीमेंट भी सर मेरे में से मैं डिवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। अरे नहीं आप हो गया नहीं चला फोन है फोन है किताब का तस्वीर चेंज ये देखिए, मैंने ये बताया था आपको यहाँ पर, ये जो हाईवे दिख रहा है रोड, रोड के ऊपर से देखो ब्रिज बना है सो दैट एनिमल इजीली इधर से उधर जा सके, क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है बहुत सारे लोग बहुत सारे एनिमल मारे तो ऐसे। तो ये भी याद रखना है। ये देखिए द कटिंग ट्रीज बर्निंग, ये सब रीजन है जो बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है। ये बोलिए ना कुछ तो ये सब याद रखिएगा, ये सब नोट्स ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आपको शेयर कर दूँगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन अरे 12th नीट तुम्हारा कौन सा क्लास है अभी? अभी जो क्लास है वो जो आपके और दूसरा क्लास है ना, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन याद रखिएगा, कितना नॉइस है, नॉइस पोल्यूशन। देखिए पर इन सब एनिमल के नाम याद रखिएगा, इन सभी के नाम याद रखना जरूरी है। पैसेंजर पिजन, स्टीवस काउ, ये सब। उसके बाद बोला था मैं ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन अभी जो हुआ है इसके अंदर डिफरेंट एनिमल के नेम भी बोले कि जिनका ओवर यूज होने की वजह से क्या क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस होना मतलब एक्सटिंक्ट होने की तरफ, व्हेन ह्यूमन नीड टर्न टू ह्यूमन ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच फॉर फूड शेल्टर, इट लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डे बाई डे क्या होता जा रहा है, देखो जितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है हर जगह वो बोर जो रहता पानी के लिए उसका बोरिंग चालू है, तो इससे क्या होगा जो ग्राउंड वाटर है वो कम होगा और वाटर भी अच्छे से यूज नहीं करें, ज़्यादा वेस्ट करें तो ये गलत बात है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करें। आवाज रे आवाज, में क्या बोला? उसके बाद मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन लाइक दैट ऑफ स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन इन लास्ट 500 ईयर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन, मेनी मराइन फिशेस आल्सो बीइंग हार्वेस्टेड। तो ये सब बोला गया, तो ये सब याद रखना। एलियन स्पीसीज इन्वेजन मतलब बाहर से कोई स्पीसीज आना और उस इंडिजिनियस स्पीसीज पर अटैक करना, तो इसको कहा जाएगा एलियन स्पीसीज इन्वेजन। यहाँ पे दिख रहा है ये जो नाइल पिच दिखाई दे रहा है आपको, नाइल पिच इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका कॉजेस द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 species of sick chilled fish in the lake। तो ये हुआ इस नाइल पिच के इस वाटर में आने की वजह से, इस वाटर में ये जो सिक चिल्ड फिश दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, इनको ये अटैक कर रहा था, कौन? ये जो नाइल पर्च बहुत बड़ा होता है, इसका वेट 70 kg से ज़्यादा है। तो ऐसा क्या हुआ कशे साठी काय बघायचं नहीं आता नहीं
उसके बाद देखिए ये एलियन स्पेसिस जिंदा चल, ये मैंने बोला था आपको, ये क्या रहता है और कैसे अटैक करेगा। तुम्हारा कौन सा क्लास चालू है नीट का? हाँ रेगुलर, वो आदत हो गई ना नीट देख देख के, नीट नीट का आता अब भूलने को टाइम लगेगा, तो नीट से रेगुलर में शिफ्ट हुआ। तो इनके नाम याद रखिए, वीड स्पेसिस लाइक कैरेट ग्रास, लैंटना, कैमराना, वाटर एसिनर कॉजेस डैमेज टू ऑल नेटिव स्पेसिस। ये तो देखा होगा, देखिए कहाँ पे लैंटना कैमरा दिखता है, देखो वीड है ये। वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट, इनकी जरूरत नहीं और है। ये था एलियन स्पेसिस, अफ्रीकन कैटफिश टू इंडियन कैटफिश को अटैक कर। तो ये लर्न करना है एग्जाम्पल से। ये बोला था मैं एलियन स्पेसिस जिंदा चल अटैक। तो एग्जांपल सब लर्न करते हैं, यहाँ पर कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटना कैमराना, वाटर हिसनर, इकोनिया पॉज द थ्रेट ऑफ नेटिव स्पेसिस एंड डैमेज टू एनवायरमेंट। इलीगल इंट्रोडक्शन मतलब बाहर से अफ्रीकन कैटफिश को लाया गया, जिन्होंने क्या किया वहाँ के जो इंडिजिनियस कैटफिश थे उनको वो अटैक कर रहे थे। ये है कोएक्सटिंक्शन, मतलब एक दूसरे के साथ में हमेशा रहते हैं, तो इसमें से एक की डेथ हुई दूसरे का भी डेथ हो जाता है। तो ये पता तो whenever plant or animal species become extinct, its obligatory association of species also become extinct. For example, when the host species become extinct, the parasite also meets the same fate. तो yes sir. And in case of plant, pollinator mutualism meets the same fate. तो ये पता होना चाहिए। mutualism मतलब ये बोला मैंने आप symbiosis. क्या होगा? Both the partner get benefit. बहुत पार्टनर गेट मिले, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। तो ये म्यूचुअलिज्म, ये याद रखना। कोएक्सटिंक्शन, तो चारों फैक्टर पता होना जो बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से बोले और उसके अंदर के एग्जांपल, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद क्या बोले था एलियन स्पीसीज इन्वेजन और कोएक्सटिंक्शन। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स। उसके बाद ये बोला था मैं आपको ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, उसके बाद इन सीटू एक्सीटू कंजर्वेशन, नैरोली यूटिलाइजिंग ब्रॉडली यूटिलाइजिंग आर्ग्यूमेंट्स, इथिकल आर्ग्यूमेंट्स, क्यों हमको कंजर्व करना है। तो रीजन ये था बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने की ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत है क्योंकि उससे हमको बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो इसमें एक रहेगा नैरोली यूटिलाइजिंग, नंबर टू ब्रॉडली यूटिलाइजिंग, नंबर थर्ड इथिकल इशू। ये कब कब एक्सटेंशन हुआ, कौन सा ये बताना चाहिए। प्रोसेसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, नेचुरल एक्सटेंशन विद द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, सम स्पीशीज डिसअपीयर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म में अडॉप्टेशन नहीं आया
उस एनवायरमेंट में सर्वाइव होने के लिए, उनकी डेथ हो गई। मास एक्सटिंक्शन, लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिस ड्यू टू द नेचुरल कैमिटीज और कैस्ट्रोट्रॉफिस और एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स इन वन सच एग्जाम्पल। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, द डिसअपीयरेंस ऑफ स्पेसिस ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ये इट इज 1000 टाइम्स हायर देन द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। और ससेप्टिबिलिटी को क्या रीजन है कि जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस होती है, या ऐसे कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म है कि जिनको इस नेचर में सर्वाइव होने के लिए प्रॉब्लम आएगी, जो एक्सटिंक्ट जल्दी हो सकते हैं, तो रीजन रहेंगे ये सब। लार्ज बॉडी साइज, स्मॉलर पॉपुलेशन विथ लो रिप्रोडक्टिव, क्योंकि रिप्रोडक्शन जरूरी है, अगर मैरिजेस नहीं हो गए, चाइल्ड नहीं हो गए, तो रिस्क कंटिन्यू जो होना है वो स्टॉप हो जाएगी। तो बस बोलो मत रहे क्या बड़बड़ चालू रहती, पढ़ाई कम बोलना चालू, पढ़ो छुपचाप, जब तुमको टाइम दिया है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जितना ज़्यादा फोकस उतना ज़्यादा माइंड शार्प बनेगा, और फोकस नहीं फिर कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो एक्सिटू और एनसीटू बोला मैं, थर्टी फोर हॉटस्पॉट है ये बोले थे, उसके अंदर से इंडिया में जो वेस्टर्न घाट, हिमालय और इंडो पैसिफिक, ये सब याद रखना बात के में क्या क्या बोला। यहाँ से तभी रिविजन लिया था इस टॉपिक के, नोट्स भेज दूंगा मैं आज या अभी। तो पढ़ के रखिए ये टॉपिक, यानी कि एनवायरमेंटल इशू के कंपैरिजन में इजी है, वन ऑफ द इजीस्ट टॉपिक है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर हार्ड नहीं। और ये सब कर लेना, क्रायो प्रिजर्वेशन ये सब, अर्थ समिट अभी बोला था 1992, अभी इसका मैंने जब फोटो दिखाया था आपको, किसी को डेट याद है ये जो अर्थ समिट 1992 में जो हुआ था उसकी डेट क्या थी, ये जो जोहान्सबर्ग में हुआ था उसकी डेट क्या थी, अगस्त टू सितंबर बोला था मैं, तो इस सब पता होना चाहिए जो एक्सिट टू कंजर्वेशन आएगा। ये सब याद रखिए, ठीक है, तो बाकी काम बाद में लेंगे, ओके, तब तक इतना सब करके रखिए रिवाइज अच्छे से। एक्स सी टू इन सी टू ये नोट्स मैं भेज रहा हूँ आपको, और मैंने इसके पहले जो आपको नोट्स भेजे, देखिए एनवायरमेंटल इशू के उसके पीछे क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं, ये मुझे पता नहीं किए या नहीं किए, अगर आप में से कोई करता मुझे की के लिए बोलता की भेजिए ये भेजिए, आप में से किसी ने बोला नहीं मुझे, तो आपने ध्यान देना चाहिए, आपको जब मैं नोट्स भेज रहा हूँ तो उसके अंदर क्वेश्चन है क्या क्या है वो आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा, और ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके रखने का। तो इतना सब करके रखिए, ठीक है, बाकी काम बाद में लेंगे, ओके, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक हम और दो इकोलॉजी के टॉपिक रिमेनिंग है, उसके बाद और कुछ रात मुझे बोलिएगा, वो आपका नहीं तो एनिमल हस्बेंड्री लेंगे, या मुझे लगता है शायद हो गया लगता है। ठीक है, तो कुछ रहा था, कोई डाउट रहा, कुछ सजेशन है तो मुझे बोलिएगा। ठीक है, देखता हूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। हाँ, आवाज़ आ रही है ना, ओके ओके। ये बच्चे रहते हैं, मस्ती करते, क्लास चालू है ना यहाँ पर, दूसरा भी क्लास होता है इसलिए थोड़ा आवाज़ आता है, उनको शांत कराया, अभी चुपचाप बैठे। ओके, और कुछ शायद मुझे बोलते जाइएगा, पर आपको साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आपकी एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम के पहले सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं इसके नोट्स भेज दूँगा आपको। ओके ओके, बाय एवरीवन। धीरे 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 धीरे।